हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे दो टाइप के हार्मोन्स देखेंगे हम। यहाँ पे हार्मोन का सिंपल मैकेनिज्म देखेंगे, किस तरह से हार्मोन कोई भी सिग्नल को ऑन या ऑफ करता है, किस तरह से अपने लक्ष्य कोशिका पे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स के द्वारा समझाया हुआ है, ठीक है। तो दो तरह के हार्मोन हम पढ़ेंगे, एक तो होते हैं लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स, ठीक है, दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स, ठीक है। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स में आपके बेसिकली कौन कौन से आते हैं, थायराइड हार्मोन्स है, स्टीरॉयड हार्मोन्स है, स्टीरॉयड में आपके एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। जबकि वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स में कौन से आते हैं, आपके एमीन है, पेप्टाइड और प्रोटीन है। एमीन में आपके कौन से हार्मोन आते हैं, एड्रेनालिन से जो सीक्रेट होते हैं, ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। इंसुलिन कैसा हार्मोन है, वो पेप्टाइड है या फिर प्रोटीन हार्मोन है। तो दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है, किस तरह से अपने लक्ष्य कोशिका पे वर्क करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन से हार्मोन, वाटर में सोल्यूबल हार्मोन की मैकेनिज्म। तो यहाँ पे एक सेल है, सेल नंबर वन, जिससे आपके हार्मोन सीक्रेट किया जा रहा है। और अपनी लक्ष्य कोशिका पे कार्य कैसे करेगा, वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जाएगा और अपनी लक्ष्य कोशिका पे उसके रिसेप्टर होते हैं, या तो सरफेस पे रिसेप्टर मिलता है या फिर उसके अंदर मिलेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक की पॉइंट पता होना चाहिए, देखिए ये क्या है, आपकी सेल नंबर टू यानी कि लक्ष्य कोशिका है, जिसमें आपके रिसेप्टर कहाँ पे मिल रहे हैं, सेल की सरफेस पे या फिर इसके अंदर भी हो सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें एक चीज़ कि जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, वो बाई लिपिड लेयर, ठीक है, डबल लिपिड लेयर से मिलकर बनी होती है। तो जो हार्मोन लिपिड में सोल्यूबल होंगे वो ही इस मेम्ब्रेन को यहाँ से पार कर पाएंगे, लेकिन ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन है ये इसे पार नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनके लिए रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, सेल की सरफेस पे होते हैं, ठीक है। तो ये रिसेप्टर यहाँ पे कैच किए जाएंगे, तो उस टाइम पे जो हार्मोन आया है उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैसेंजर, ओके। इस फर्स्ट मैसेंजर के द्वारा सेकेंडरी मैसेंजर है वो सीक्रेट किया जाता है, जिसमें आपके आते हैं, आपके कैल्शियम आता है, ठीक है, CMP आता है, CGMP आता है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट आता है, डाईएसाइल ग्लिसरॉल आता है, फॉस्पो इनोसिटाइड्स आते हैं। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर्स है जिनके द्वारा आप सिग्नल को या फिर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये वाटर में सोल्यूबल हार्मोन्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनके लिए रिसेप्टर कहाँ होंगे, सेल की सरफेस पे। और हार्मोन यहाँ पे जो यहाँ पे बाइंड कर रहा है वो हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर की तरह वर्क करता है और अपने सिग्नल को आगे भेजने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर मीडिएटरी वर्क में यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। उनके द्वारा अगर कोई रेस्पॉन्स है साइटोप्लाज्म में तो वो साइटोप्लाज्म में उसे हैंडल किया जाएगा, अगर कोई रेस्पॉन्स उसे न्यूक्लियस में देना है तो वो न्यूक्लियस में भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। बाकी कौन कौन से होते हैं, CMP होता है, ये आपके कौन से सेकेंडरी मैसेंजर, कैल्शियम, CGMP, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, डाईएसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फो इनोसिटाइड्स, ओके ओके गाइस। अब हमने पढ़ लिया है कौन से हार्मोन, जो कि वाटर में सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं। अब हम देखते हैं लिपिड में सोल्यूबल हार्मोन्स। तो ये आपकी सेल वन है जिससे आपका हार्मोन सीक्रेट किया जाएगा और ये वाया ब्लड स्ट्रीम के द्वारा आपकी टारगेट सेल यानी सेल नंबर टू पे अपना सिग्नल देगा। तो ये कैसे हैं, लिपिड में सोल्यूबल हार्मोन है और ये क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि डबल लिपिड की बायलेयर से मिलकर बनी होती है। तो ये कैसे हार्मोन है, लिपिड में सोल्यूबल, तो इस ये मेम्ब्रेन को इसे क्रॉस कर सकते हैं, इसीलिए इनके लिए रिसेप्टर कहाँ मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में मिलते हैं या फिर इन द सेल कह सकते हो या फिर न्यूक्लियस में मिलते हैं। अब यहाँ पे इस रिसेप्टर है आपका, इसे कैच कर लिया जाता है, अगर रेगुलेशन के लिए न्यूक्लियस में भेजा जाना है तो न्यूक्लियस में भेज दिया जाता है, अगर कोई साइटोप्लाज्मिक हार्मोन को यहाँ कंट्रोल करना है तो यहाँ पे उसे जीन रेगुलेशन के लिए सिग्नल को भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है जिनके लिए रिसेप्टर कहाँ पे है, न्यूक्लियस में, इसीलिए इन्हें कैसी फैमिली बोलते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर हार्मोन फैमिली। जबकि ये जो हमने पढ़ी थी ये कौन सी थी, ये सेल सरफेस रिसेप्टर हार्मोन फैमिली। तो दो तरह से आप देख सकते हो रिसेप्टर को, हमारे लेफ्ट साइड में कैसे हार्मोन है, वाटर में सोल्यूबल, जबकि राइट साइड में कैसे हैं, लिपिड में सोल्यूबल हार्मोन, क्योंकि ये लिपिड को क्रॉस कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली कहते हैं। और वो वाटर में सोल्यूबल हैं, लिपिड में अनसोल्यूबल हैं, लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनके रिसेप्टर सेल की सरफेस पे हैं, इसीलिए उन्हें बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर हार्मोन।
आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।